बहुत शुक्रिया हमारे भाई ने मेरे लिए सानी पैदा कर दी कि हम मिनॉरिटी डे में हमें ऐसे लग रहा था कि सबसे पहले हमें मौका दिया जाएगा और हमें खुशी होगी कि सारे हमें सुने। तो उसी रूटीन में जैसे हमेशा होता है सबसे आखिर में हमें ही मौका मिला, मिनॉरिटी डे में भी सबसे आखिर में हमें मौका मिला। हमारा भी दिल करता है कि जब हम अपनी बात करें तो हमारे जो पूरी क़यादत है वो भी सुने और हमारी ओपोजिशन लीडर जो जितनी है ओपोजिशन के बेंचेस हैं वो भी हमें सुने। लेकिन चले खुदावंद की शुक्रगुजारी, वक्त के मुताबिक हो सकता है कि आने वाले वक्तों में कुछ बेहतरी हो जैसे हमारे भाई ने कहा। और मैं भाई जो हमारे अभी गोल्ड मेडल जीत के आए हैं अरशद नदीम, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं हमारी मिनॉरिटी की तरफ से, क्योंकि वो कौमी हीरो हैं, यकीनन वो हैं। और मेरे भाई ने अभी जो हमारे एक बात कही कि हमारी जो क्रिश्चियन बच्ची हैं अभी सोहेल सिस्टर्स हैं जो तीनों, वो पाँच गोल्ड मेडल जीत के आई हैं और हमारी कौम इस चीज़ से थोड़ी सी दिलाजारी हो रही है, वो परेशान भी हैं कि उनको किसी ने कोई इनाम का ऐलान नहीं किया। तो वो भी गोल्ड मेडल लाई हैं, एक नहीं बल्कि पाँच एक और 15 लेके आई हैं, ताकि कौम को वहाँ पर भी कौमी परचम लहराया गया, वहाँ भी कौमी तराना ही जो है वहाँ पर पढ़ा गया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने मुल्क के नाम को रोशन किया। तो उनका भी जब हमें बेशुमार लोग, हम जो ना दरमियानी हैं अपनी कौम के और गवर्नमेंट के बीच में दरमियानी हैं, अगर हम अपनी कौम की सही बात हुकूमत को ना बताएं या हुकूमत की जो मोहब्बत का है वो अपनी ना कौम तक ना पहुँचाएँ तो ये भी ज़्यादती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मसीही कौम ये चाहती है कि आप उनके साथ भी मोहब्बत का इजहार वैसे ही करें जैसे हमारे अरशद नदीम भाई के साथ किया। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी जनाब चेयर से कि वो इस बात पर एक्शन ज़रूर लें। हमारी सीएम साहबा से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कौम को खुशी से नवाजा जाए जैसे हमारे अरशद भाई को नवाजा गया है। मैं ज़रूर कहूँगी हमारे आपने भाई फलबूस ने बड़ी अच्छी तरह से हमारी हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया और हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी, क्रिश्चियन भाइयों ने भी किया, मिनॉरिटी के दूसरे लोगों ने भी किया कि हमारी खिदमत ऐसी नहीं है जो छुपी हो, सबको पता है। लेकिन और ये जो हमारे साथ प्रॉमिसेस हुए जैसे बताया कि हमारी नस्लें भी आपकी जो शुक्रगुजार रहेंगी, ये सारी बातें जो है ना वो किताबों में है, रियलिटी में नहीं है। अगर हम देखें तो हमारी कौम में बड़े यहाँ पर दुखी लोग बैठे हुए हैं, वो समझते हैं कि यहाँ हम सिक्योर नहीं हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मुल्क पाकिस्तान में शामिल हुए तो एक और गवाह है जो अभी तक ज़िंदा है और हम दुआ करेंगे वो गवाह हमेशा क़यामत तक ज़िंदा रहे, वो हमारा परचम है। अगर हम अपने परचम को देखें तो अगर अपने परचम को एक्सप्लेन करें तो उस वक्त जो हमारी राइट कंडीशन थी वो परचम में लिख दी गई कि हमारी जो मिनॉरिटी की हकीकत में जो जगह है वो परचम में ड्रॉ कर दी गई। अगर आप देखें तो जो को परचम जिसको स्टार कह रहा है वो मिनॉरिटी है, परचम जिसको स्टार कहता है जिसको लिखता है परचम के ऊपर वो मिनॉरिटी है। और परचम अगर आप परचम को देखें तो जो परचम को खड़ा रखने वाला जो होल्ड करने वाला जो हिस्सा था वो भी मिनॉरिटी को थमाया गया था। और मिनॉरिटी को अगर हम गौर से देखें जो कलर हमें दिया गया है वो ब्लाहट का कलर है, पकीजगी का कलर है। आप किसी भी मजाह में चले जाएं, जब आसमानों से कॉल आती है जमीन पर किसी की वो खुदा की तरफ रुखसत होता है तो लोग वाइट कपड़े में लपेट कर उसको खुदा को देते हैं। वाइट वैसे ही कलर हमें जो दिया है वो वैसे पकीजगी का और ब्लाहट का है। और हम वैसे भी पाकिस्तान में बुलाए नहीं गए, हम पाकिस्तान में थे और हम पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को बनाने वाले हैं। हम यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं किए गए या हम यहाँ पर हिजरत करके नहीं आए, बल्कि हमने पाकिस्तान को बनाया है। और अगर उस वक्त हम लोगों ने, अगर आप देखें, मैं किसी फिल्म का डायलॉग नहीं यहाँ पर, जब सिंह ने कहा कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान, तो मैं किसी फिल्म का डायलॉग या ड्रामे का डायलॉग नहीं यहाँ बोलना चाहती, बल्कि अपने बावजूदाद अपने बड़ों का, कि जब एसपी सिंगर ने कहा कि सीने पर गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, ये हमारी जुबान थी। और आज भी हम उसी एसपी सिंगर की तरह सीने पर गोलियां खा रहे हैं और तारा सिंह जो आज भी हमें मार रहे हैं वो पाकिस्तान में मौजूद है। अगर उस वक्त तो वो इंडिया से तल्लक रखते थे तो आज वो किससे तल्लक रखते हैं? आज वो जो हमें घसीट के मार रहे हैं, आज के जो तारा सिंह हैं वो कौन है? हम आज भी एसपी सिंगा की तरह अपने सीने पे गोली खा रहे हैं। और यकीन जाने यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं,
हम अपने वतन के लिहाज के लिए, अपने वतन की मोहब्बत के लिए कभी भी बाहर जाकर शिकायत नहीं करते, और हम करेंगे भी नहीं। क्यों करें? क्योंकि हमें खुदा ने ये मुल्क दिया है, और हमारा जो मुल्क ये है, और हम यही बात करेंगे अपनी, हमें किसी भी हालत में हो। और वैसे भी हमारा मज़हब हमें सिखाता है, जो हमें तलीम दी जाती है वो यह है कि खुदा के कलाम में हमें जो टीच किया जाता है कि अगर उस मुल्क के असीर भी हो, अगर उस मुल्क के कैदी भी हो, तो उस मुल्क की सलामती चाहो, क्योंकि उस मुल्क की सलामती में तुम्हारी सलामती है। हम इस मुल्क की सलामती चाहते हैं क्योंकि ये खुदा की तरफ से हमें हुक्म है। मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि परचम से पूछे हमारा कि इसमें किरदार क्या है, क्योंकि जिस वक्त परचम बनाया जा रहा था उस वक्त हमारा किरदार भी जिंदा था, और हमारा किरदार जो आज मारा गया है वो परचम पर आज भी जिंदा है। खुदा करे ये परचम ज़मीन पर जब तक ये दुनिया कायम है, ये परचम कायम और दायम रहे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आपको हमारी याद दिलाता रहे कि जो इस पर हमारी हिदमत है, जो इस पर हमारा रंग है, एक्चुअली हम वो हैं। मैंने अपनी पहली भी स्पीच में कहा कि हमें ज़ाया ना करें, हम एक्चुअली जो मवाद है हमें उसको माने पर इस्तेमाल किया जाए। हम बड़े सिंसियर और प्यार करने वाले लोग हैं, हम अपना वक्फ कर देने वाले लोग हैं। जब हम तलीम दे रहे थे, जब हम मेडिकल दे रहे थे, तो तब सर्विस थी। गौर करिए ज़रा कि आज वो सर्विस है कि आज वो कमर्शियल है, आज वो बिजनेस है। और जिस कौम की चीज़ें ये वाली कमर्शियल हो जाती हैं, बिजनेस हो जाती हैं, तो उस कौम का क्या हाल होता है? पाकिस्तान की डेमो देख ले, पाकिस्तान की कौम का जो हाल है वे यही होता है। अब बाहर देखें, जब कौम सर्विस देती है तो हम सर्विस दे रहे थे, अपना तन मन धन लगा रहे थे। आज देखें कि लोग इससे अपना तन मन बना रहे हैं और लोगों को घसीट रहे हैं हर एक चीज़ में। देखें क्या ये सर्विस है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदावंद की शुक्रगुजारी बाशोर लोग रहते हैं यहाँ पर, इलम रखते हैं, गौर करें आज की सर्विस में और उसकी सर्विस में क्या फ़र्क था। तो अगर आज सर्विस इस कदर ख़राब हो चुकी है, तो मान ले कि खुदा ने हमें ये टैलेंट दिया है, हमारे ब्लड में है कि हम ये सर्विस दे सकते हैं। और खुदावंद की शुक्रगुजारी, आप हिस्ट्री में देखें कि किसी मसीही ने कभी मुल्क पाकिस्तान को नुकसान नहीं दिया, किसी भी प्लेटफार्म पे, और ना ही हम देंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी, हम आज भी, कल भी हमारा यही नारा, आज भी यही नारा है। हम उसी नारे को आगे बढ़ाते हैं कि सीने पर गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन आज हम ये कहते हैं कि किसी हाल में भी जी जाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे।